चलिए, तो हम 16 ग्रुप में पढ़ रहे थे सल्फर के बारे में। आज उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड पढ़ने वाले हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, सल्फर डाई ऑक्साइड SO2। ओके, सल्फर डाई ऑक्साइड स्ट्रक्चर होता है O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O। इसको तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर को, जैसे हम ओजोन में देख चुके हैं, सिमिलर नेचर यहां पर होता है। ओके, क्योंकि सेम ग्रुप एलिमेंट है सल्फर ऑक्सीजन की तरह, जैसे ओजोन का स्ट्रक्चर आपने देखा था, आपको याद होगा। ओके, O3 के लिए सेम स्ट्रक्चर यहां पर हमको मिलता है इसके लिए। ओके, चलिए, तो यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है जो बहुत सारे प्रिपरेशंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस होता है। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सल्फाइड, यानी डायरेक्ट सल्फर से। आप सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाता है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, वेरी सिंपल प्रिपरेशन। ओके, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा जो है, हम इसका जो है सल्फाइट से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में दिया है SO3 2- एक सल्फाइट है। व्हाट इज SO3 2? SO3 2- सल्फाइट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको लिया है 2H+। ऐसे मैं इसको एक्चुअल रिएक्शन भी आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये H2SO4 लिया है और ये सल्फाइट लिया है, तो SO2 तैयार होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना देगा? H2O। जैसे अगर आपको एक्चुअल रिएक्शन देखना है तो आप यहां पर ले सकते हैं सोडियम सल्फाइट Na2SO3, यहां 2- स्टेट में है ये। फिर आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक अच्छा एसिड है, इजीली प्रोटॉन देता है, राइट? तो यहां से SO2 लिबरेट होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 2 हाइड्रोजन, और यहां से जो ऑक्सीजन लॉस हुआ है क्या बन जाएगा? H2O, राइट? बचा दोनों Na और SO4, क्या बना देगा? Na2SO4। बुक में ऐसे दिया डायरेक्ट आपको कि सल्फाइट विथ फ्यूम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड से आए हैं 2H+ आयन। ओके, एक्चुअल रिएक्शन ऐसे। थर्ड, हम इसको जो है रोस्टिंग ऑफ फेरस सल्फाइड, इससे भी बना सकते हैं। व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा है, कंबस्शन रिएक्शन, मतलब हीटिंग या बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंबस्शन। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, ओके, इट इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? याद रखने का, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कंबस्शन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जलाए तो रोस्टिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड को विदाउट ऑक्सीजन जलाए तो पायरोलिसिस, हाइड्रोकार्बन में पढ़े थे ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को विदाउट ऑक्सीजन जलाया तो कैल्सिनेशन, समझा आपको? उधर ऑर्गेनिक में विद ऑक्सीजन कंबस्शन, विदाउट ऑक्सीजन पायरोलिसिस, यहां पर इनऑर्गेनिक में ऑक्सीजन के साथ जलाया तो रोस्टिंग और विदाउट ऑक्सीजन जलाया तो कैल्सिनेशन। तो यहां रोस्टिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाते हैं, ये सल्फर और ऑक्सीजन बन जाता है SO2Fe चला जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह भी इसको प्रिपेयर किया जा सकता है। सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। तो इसके बहुत सिंपल रिएक्शन है और यूजफुल रिएक्शन है जो आप बहुत सारे बाद में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक फेमस है आपने लिया सल्फर डाइऑक्साइड विथ हाफ ऑक्सीजन, ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 सल्फाइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड के बाद जो नेक्स्ट पढ़ना है हमको केमिकल, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसके प्रिपरेशन मेथड में ये आएगा कि अगर आपने SO2 का ऑक्सीडेशन किया तो बनता है SO3। उसको कैसे लिखा हुआ है, 2SO2 एंड O2, अपन ने हाफ लिखा है, समझा आपको, ठीक है। तो ये एक इसका रिएक्शन है। इसी तरह सल्फाइट प्रिपरेशन हो गया, वैसे ही सेकेंड सल्फ्यूरस एसिड बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। मतलब अगर आपने लिया सल्फर डाइऑक्साइड विथ वाटर H2O तो ये बन जाएगा H2SO3। इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले उस क्या किया जाता है, सल्फ्यूरस एसिड के साथ H2SO4 लिया जाता है तो वो बन जाता है H2S2O7, H2S2O7 और हाइड्रोजन चला गया ना, कितना, दो, छोड़ दो उसको ऐसे ही। इसका नाम ओलियम है, आगे डिटेल आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ओलियम। तो ओलियम जो होता है, ओलियम, ये ओलियम जो है ना H2S2O7, ओके, ये H2SO4 में कन्वर्ट होता है H2S2O7 प्लस H2O, क्या बनाएगा, H2SO4, H2SO4, यहां पर H2 है, H2 है, ओके, S कितने हैं, दो, तो ये इसको कर देंगे हम दो, हाइड्रोजन 2 and 2, 4, 2 2 4 हो गए, सल्फर दो है, दो हो गए, ये 7 plus 1, 8, तो 4 2 8, 2H2SO4, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में भी आएगा जो आगे नेक्स्ट अपना मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसी तरह सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाना सिंपल मेथड है, SO2 plus Cl2, तो क्या बनाता है, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के लिए इसको यूज करते हैं जो कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एफी को फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब +2 से +3 में कन्वर्ट करने, देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अच्छा SO2 ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग, यहां पर ये रिएक्शन अभी जो बता रहा हूं उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, अरे लेगा ना, अरे भाई जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन है ना, तो सामने वाले से लेगा ना, तो सामने वाला लॉस कर रहा है उसका क्या होगा, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सामने वाले का रिडक्शन हो रहा मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है वहां पर, ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो देने वाला क्या रहेगा, रेडी, वाह वाह वाह,
खाना खाया आप लोगों ने? रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो सामने वाले का होगा रिडक्शन, समझा क्या? सामने वाले का रिडक्शन होगा तो वो हाइयर प्लस से लोअर प्लस में जाएगा, मतलब Fe3 प्लस है तो Fe2 प्लस बनेगा। जैसे देखो यहां पर रिएक्शन Fe3 प्लस 2 SO2 एंड H2O, 2H2O, ये Fe3 प्लस से बन जाएगा Fe2 प्लस। इलेक्ट्रॉन लिया के दिया? इलेक्ट्रॉन लिया के दिया? लिया ना उसने, प्लस थ्री में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो प्लस टू बनेगा, प्लस थ्री माइनस वन प्लस टू, ओके। और ये बन जाता है SO2 से SO4, SO4 टू माइनस, SO4 टू माइनस। चलो बाकी का बैलेंस करो, क्या चाहिए अपने को? दो Fe आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन टू टू जो फोर हो गया, हाइड्रोजन कितने बचे? चार, 4H प्लस निकाल देंगे बाहर, ओके। पॉसिबल रिएक्शन क्या रहती बाद में मैं आपको बताता हूं। तो ये यहां पर एक रिएक्शन है नंबर फोर। नंबर फाइव जरा ध्यान से देखो, एमएन, एमएन क्या लिया है? एमएनओ फोर है। हम यहां पर इसको ओके, यहां पर उसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, हम लेते हैं यहां पर 5SO2, 5SO2 एंड 2H2O, 2 मोल्स ऑफ MnO4, MnO4 हो गया, MnSO4 है, MnSO4 सल्फेट लिया है, ओके कोई बात नहीं। MnSO4 में Mn का स्टेट कितना है? अरे बोलो ना, Mn में MnSO4 में Mn का स्टेट कितना होता है? प्लस। क्या कमाल के लोग हैं आप लोग, SO4 2 माइनस रहेगा तो Mn 2 प्लस रहेगा ना, गली का बच्चा बच्चा पहचानी है इसको भाई। SO4 पे 2 माइनस रहता तो Mn पे क्या रहता? प्लस 2 रहता है, सिंपल सी बात है ना। MnO4, अगर MnO4 लिया तो चार्ज क्या आएगा? Yes? प्लस एट, क्या आएगा? प्लस एट। तो यहां पर भी वो सेम एक्शन शो करने वाला है जो ऊपर उसने शो किया है। एम एन ओ फोर से क्या बना रहा है वो? एम एन टू प्लस। हाइयर से कहां जा रहे हैं हम? लोअर में। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये? पांच। यहां कितने इलेक्ट्रॉन दिया था? दो, तो पांच कितना देगा? वाह वाह, Fe3 प्लस बना Fe2 प्लस, एक SO2 ने बनाया दो Fe को, दो Fe को दो Fe2 प्लस, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो पांच कितने देगा? आप लोगों के लिए सौ तोपों की सलामी, दस तोपों की, अच्छा ठीक है, टेन बोल रहे हो, दस रहेंगे ना भाई। हाँ, तो एक Mn को प्लस एट वाले को मिलेंगे पांच इलेक्ट्रॉन, दूसरे Mn को मिलेंगे पांच इलेक्ट्रॉन, तो प्लस एट से कह में जाएगा वो? प्लस थ्री में जाना चाहिए ना, ओके ओके। बाकी बन जाएंगे SO4, 5SO4 टू माइनस, ओके। यहां पर पांच कितने हैं? पांच SO2, इनको पांच SO4 बनाना है, मतलब कितने ऑक्सीजन चाहिए? दस। यहां कितने? चार दोनी आठ, और ये दो बैलेंस। हाइड्रोजन कितने बचे? दो दोनी चार, 2H प्लस। समझा क्या? नहीं समझा? हाँ वो फोर छोड़ दो उसको, ये बड़ी गलती निकाल रहे, वाह वाह। इधर देखो पहले, ये तो नहीं करे, यहां पर इधर देखो, मैंने कहा SO2 अकेला आया, एक Fe3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो बन गया Fe2 प्लस, दूसरे Fe3 प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दिया वो भी बन गया Fe2 प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन दिया ना। तो मैंने पूछा पांच SO2 कितने देगा, तो आपको उतना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा,
10 देगा ना, चलो 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अरे मिले कि नहीं? अब 10 इलेक्ट्रॉन मिले, अभी पूछे तो एक क्या और रिएक्शन। अरे इधर देखो ना, 10 मिले तो Mn यहां पर ऑक्सीजन होता है 2 माइनस, 4 टू जा मतलब यहां ऑक्सीजन के पास माइनस 8 है, तो Mn पे क्या आएगा? प्लस 8। बोलो ना हाउ। ओके अरे बराबर है कि नहीं? प्लस 8 से वो जा रहा है प्लस, कहां जा रहा है? प्लस प्लस 3 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिया उसने? 5। बराबर है कि नहीं है? तो 2 कितने लेंगे? 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस यहां पर। ओके अब यहां पर थोड़ा सा इधर आ जाओ आप लोग, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो अपने को कॉमनली मिलते हैं, एक है सल्फ्यूरस एसिड, अभी देखा ना अपन ने, वो होता है ऐसे H2SO3, क्या होता है? 1, 2, 3, देखो H2SO3, H2SO4, OHS, double bond OHO, H2SO4, sulfuric acid, ये कौन है? सल्फ्यूरस। ये कौन है? सल्फ्यूरिक। ये सल्फ्यूरस और ये सल्फ्यूरिक। ओके नेक्स्ट H2S2। कौन सा वाला? H2S2O7, H2S2O7, दिखा आपको H2S2O कितना आया? 8 हो गया, एक काम कर दो, समझा आपको? ये कौन है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब कौन? ओलियम, समझा आपको? ऐसे ही होता है परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, O8, समझा आपको? वो रहेगा परऑक्सी। अब आपके लिए कोई मुश्किल है कि हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 1, 2, 3, 4, बराबर है? सल्फर डाइऑक्साइड में कितना है? अरे बोलो ना, प्लस 3। इधर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी सेम और परोक्सी वाले में भी सेम, समझा आपको? ओके राइट फास्ट। इसके यूजेस इधर देख लो, इसके यूजेस क्या क्या है, आप लिखते नहीं, हम डायरेक्ट बोल देते, आप याद रख लेने का। मोहतरमा इधर देखो, इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इंपॉर्टेंट है सल्फ्यूरिक, सब बता सकते हैं आप। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कन्वर्जन ऑफ फेरिक टू फेरस, देन Mn को Mn3+ में कन्वर्ट करने के लिए। ओके इट इज एंटीक्लोर, एंटीक्लोर किसको बोलते हैं? AntiClor, क्लोर। एंटीक्लोर वो होता है एजेंट जो किसी केमिकल में एक्सेस में जो HCl है उसको क्लोरीन बनाकर निकाल देता है, उसको बोलते हैं एंटीक्लोर। सो इट इज एंटीक्लोर एजेंट, एंटीक्लोर एजेंट है ये, ठीक है? तो एक एक्शन ये है इसका। दूसरा एज ए ब्लीचिंग यूज किया जाता है इसको, ठीक है? और ये डिसइंफेक्टेंट भी है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों भी डिसइंफेक्टेंट है। बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स में इसको प्रेशर के साथ जो है पास किया जाता है ताकि अंदर के बैक्टीरिया पूरे क्या हो जाए? खत्म। ओके सो दीज आर द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? रिएक्शन बराबर है, लेकिन यहां पर MnO4- लेंगे हम,
क्योंकि आयनिक स्टेट में देख रहे अपन, MnO4- माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, प्लस 7, और प्लस 7 रहेगा ना, एक कम करना पड़ेगा ना, तो यहां पर ये क्या बनेगा, प्लस 2। इधर देखो, प्लस 7 में 5 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2। तो ये करेक्शन कर लो यहां पर, ठीक है, बाकी बराबर है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख रहे थे, एक मिनट पॉज कर दो इसको। तो हमने बेसिक्स देखा इसका कि जो मैटर होता है उसके कितने स्टेट्स होते हैं, बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी देखे हमने, लेकिन हमको यहाँ बेसिक यानी फंडामेंटल वही स्टेट्स पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड।